गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ द असाइनमेंट फ्रॉम पार्ट्स एंड होल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज सर्कल द करेक्ट शेडेड फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको क्या करना है, जो आपको अलग अलग शेप्स दिख रही हैं ए बी सी डी एंड ई, इनमें इनके कुछ पार्ट को क्या शेड किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसके सामने कुछ चॉइसेस दी गई हैं आपको, ठीक है. उसके शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग आपने उन चॉइसेस को टिक करना है कि उनमें से कौन सा ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शेप ए हमारे पास एक स्क्वायर है जिसको फर्दर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि एक स्क्वायर से कितने पार्ट्स बनाए हैं, 4. अब टोटल हमारे पास पार्ट कितने हैं, 4, और कितना पार्ट शेड है, 1. तो इसका जो सही फ्रैक्शन वो क्या है, 1, उसको पहले से सर्कल किया हुआ है, आप देख पा रहे हो, ठीक है. अब हम बी पे चलते हैं, पार्ट बी पे, और बी शेप में आप देख सकते हो आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसको कितने कुल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इक्वल पार्ट्स हैं यहाँ पे, और इनमें से आप देख पा रहे होंगे 8 इक्वल पार्ट्स हैं. कितने पार्ट कलर्ड हैं, 1, 2, 3, तो ये है 3/8. तो इसकी राइट चॉइस क्या है, 3/8 को आपने सर्कल करना है. उसके नीचे आपके पास सी पार्ट है, ठीक है. उसमें आपको देखना है, ये सर्कल दिया गया आपको, ठीक है, उसको फर्दर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पे इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो टोटल पार्ट्स हमारे हो गए 8, और कितना पार्ट शेडेड है, 1. तो इसका जो सही राइट चॉइस क्या है इसकी, 1/8 को आपको सर्कल करना है. नेक्स्ट हमारे पास डी शेप है. डी शेप के कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल पार्ट है, और कितने पार्ट शेडेड है, 2. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट, 2/6, ठीक है. और नीचे आपको एक ट्राइंगल दिख रही है ई पार्ट में, इसको फर्दर 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया है. 4 इक्वल ट्राइंगल्स हैं, और कितनी ट्राइंगल्स शेडेड हैं, ओनली 1 बीच वाली. तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या है, 1/4, ठीक है. ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, राइट द फ्रैक्शंस बोथ शेडेड एंड अनशेडेड ऑफ द गिवन फिगर. अभी तक हमने क्वेश्चन 3 में क्या किया था, हमने फ्रैक्शन लिखा था सिर्फ शेडेड पार्ट के लिए. अब आपको शेडेड पार्ट के लिए भी और अनशेडेड पार्ट के लिए भी फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है. पर यहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है, और मुझे लगता है थर्ड क्वेश्चन करने में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी तो आप इसको आसानी से कर देंगे, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है. पहले हम बात करते हैं शेप ए की. शेप ए में आप देख पा रहे हो आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसके कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ऊपर हैं, 5 नीचे हैं, यानी कि टोटल कितने, 10 पार्ट्स हैं, ठीक है. तो शेडेड पार्ट आपको कितने दिख रहे हैं उसमें, 1, 2, 3, 4. टोटल पार्ट्स हैं 10, शेडेड पार्ट हैं 4. तो शेडेड पार्ट में आपके पास फ्रैक्शन होगा 4/10, ठीक है. और उसके सामने लिखा है अनशेडेड पार्ट. अनशेडेड फ्रैक्शन जो है वो क्या है, अनशेडेड में आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6. अनशेडेड फ्रैक्शन हमारा क्या आएगा, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6, और कितने अनशेडेड हैं, सॉरी टोटल हैं 10, और अनशेडेड हमारे पास है 6. तो फ्रैक्शन बनेगा इसका 6/10, ओके. अब शेप बी की बात करते हैं. शेप बी में आपके पास आपको काउंट करने हैं कितने पार्ट्स हैं. मुझे दिख रहा है 4 ऊपर हैं, ठीक है. दो ट्राइंगल दिख रही है, एक ऊपर एक नीचे. ऊपर वाली ट्राइंगल में कितने पार्ट हैं, 4. ऐसे नीचे वाली ट्राइंगल में भी 4. तो टोटल पार्ट हो गए 8, ठीक है. तो टोटल पार्ट हमारे पास है 8. और शेडेड फ्रैक्शन क्या आएगा, 3/8, 3/8.
और एट में से थ्री क्या है, शेडेड है, तो फाइव क्या हो गए, अनशेडेड, तो 5/8 है अनशेडेड। नेक्स्ट है सी पार्ट हमारे पास। सी पार्ट में आपको जो शेप दी गई है उसके आपको देखने हैं कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट 5 हैं। कितने पार्ट शेडेड हैं, 3, टोटल पार्ट 5 हैं। कितने अनशेडेड हैं, 2, यानी कि शेडेड फ्रैक्शन आपका बना है 3/5 और अनशेडेड है 2/5। अब हम डी पार्ट पे चलते हैं। डी में आपको एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है, उसको फर्दर 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 8 इक्वल पार्ट्स में से कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 8 में से 5 शेडेड हैं, तो इसका आंसर है 5/8 शेडेड फ्रैक्शन। ठीक है, शेडेड फ्रैक्शन क्या है, 5/8, और अनशेडेड कितना बचा, 3, 3/8। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम करते हैं ई पार्ट पे चलते हैं हम। ई पार्ट में आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, इसको जरा हम क्लोज, ठीक है, तो ये ई पार्ट है हमारे पास। इसमें नंबर ऑफ, आपको एक बड़ी सी ट्राइंगल दिख रही है, उसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे ये 16 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, दोबारा से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16, तो पार्ट सी में, एक मिनट, पार्ट ई में हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ई एक्चुअल में, सॉरी, शेप ई एक्चुअल में एक ट्राइंगल ही है जिसको फर्दर इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं इसमें, अभी हमने काउंट किया है 16। आप देख सकते हैं कितने जो ट्राइंगल्स हैं, स्मॉल ट्राइंगल्स, वो शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो टोटल जो शेडेड ट्राइंगल्स हैं वो हैं 7, और वैसे टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं हमारे पास, 16, तो शेडेड फ्रैक्शन आएगा 7/16। तो शेडेड फ्रैक्शन में हमने लिखना है 7/16, और अनशेडेड कितने हैं, अनशेडेड ट्राइंगल कितने हैं, 9, तो 16 में से हम 7 माइनस करेंगे, 9 बचेंगे, 9 है अनशेडेड, तो 9/16 हमारा आ जाएगा अनशेडेड फ्रैक्शन। ठीक है, या आप काउंट भी कर सकते हो, कोई, मैं चाहता हूँ आपके मन में कोई डाउट ना रहे, इसलिए हम दोबारा से काउंट करते हैं अनशेडेड अनशेडेड ट्राइंगल्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने क्या देखा, अनशेडेड हमारे पास ट्राइंगल कितनी थी, 9, और टोटल कितनी थी, 16, तो अनशेडेड फ्रैक्शन था 9/16, जैसा हम पहले लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ को कंप्लीट करने के बाद, सॉरी, थर्ड फोर्थ को कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन फाइव पे पहुँचे हैं, उसको भी करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, शेड ई शेप अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन, कि जैसा कि आपको बताया गया है वैसे ही शेप को आपने शेड करना है, या उसमें कलर कर सकते हो, ठीक है, यानी कि जो भी आप नीचे, हर एक शेप के नीचे कुछ आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने शेप को शेड या कलर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं शेप एक ए के साथ। शेप ए में देख सकते हो आप, उसके नीचे लिखा है 2/5, यानी कि आपको क्या करना है, टोटल पार्ट इसके हैं 5, आपको 2 को कलर करना है उसमें से, कोई भी 2 कलर कर सकते हो, ठीक है, हम ऊपर वाले 2 को कलर कर देंगे, ऐसे कलर कर देना है आपने, या शेड कर देना है पेंसिल से अच्छे से, ठीक है, आप थोड़ा प्रॉपरली कर लेना। तो ये हो गया हमारे पास 2/5, हमने इसको शेड कर दिया गया। बी पे चलते हैं अब हम, ठीक है, बी में जैसा कि लिखा है 3/4, यानी कि फोर्थ में से 3 को आपने शेड करना है, तो एक को आपने बिना शेड के छोड़ देना है, बिना कलर के, और 3 को शेड कर देना है, ठीक है, तो ऐसे आपके पास बन जाएगा, एक आप बिना शेड के छोड़ दीजिए और बाकी शेड करके, ठीक है।
इसमें आपने क्या किया, फोर में से थ्री को शेड कर दिया जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिखा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सी के, सी में देखिए क्या लिखा है, 1/8 यानी कि 8 में से 1 को कलर करना है, सिर्फ किसी भी एक को आप कलर या शेड कर सकते हो, सिर्फ एक पार्ट को, ध्यान से। ठीक है, तो इस तरह से आपने शेड कर देना है 8 में से 1 को। ठीक है, हम अब चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में हमारे पास दिया गया 1/5 यानी कि 5 में से किसी एक को कलर करना है हमें, किसी भी एक को कर लो, चाहे बीच से चाहे साइड से, ठीक है, पर करना एक को ही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। डी के बाद चलते हैं ई पे, लास्ट है वो। ई में जैसा देख सकते हैं आप 2/6 यानी कि 6 में से 2 को कलर करना है, कोई भी 2 को कलर कर दो या शेड कर दो पेंसिल के साथ। थोड़ा सा प्रॉपर कर दीजिए इसको, तो इस तरह से आपने 6 में से 2 को कलर करना है, मैंने कर दिया है। तो फिर भी आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में कोई डाउट हो तब तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, ओके, थैंक यू।